हिंद बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों आज आपके लिए लेके आए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का थर्ड पार्ट पहले पार्ट में हमने जाना था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म और कॉमन एग्जांपल के बारे में दूसरे पार्ट में हमने जाना था कि स्टीडियो केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और आज हम लोग जानेंगे कि रेजियो सेलेक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होता है रीजियो सेलेक्टिविटी ऑफ न्यूक्ो एडिशन इज गवर्नड बाय नेचर ऑफ न्यूक्ो आप जानते हैं न्यूक्रोल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं वीक न्यूक्ो फाइल एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्र तो आपने रिएक्शन के अंदर कौन सा न्यूक्लियो लिया है वीक वाला या स्ट्रॉन्ग वाला इस पर ही डिपेंड करेगा रिएक्सन में प्रोडक्ट का बनना न्यूक्ोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज रेजियो सेलेक्टिव इन नेचर बिकॉज रिएक्शन प्रोसीड्स मोर एट वन एक्टिव साइट देन द अदर आप जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर दो एक्टिव साइट होंगी लेकिन रेजियो सेलेक्टिविटी आपको ये क्लियर करेगी कि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन एक ही एक्टिव साइट पर ज़्यादा क्यों होता है और दूसरे वाले पे कम हाइड्राइड आयन ग्रिगनाड रिएजेंट आर यूज एज कॉमन न्यूक्लियोफाइल वैसे तो बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल पॉसिबल हो सकते हैं लेकिन कॉमनली हाइड्राइड आयन और ग्रिग्नाड रिएजेंट आपको डिफरेंट रिएक्शन में एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करते हुए नजर आएंगे लास्ट वीडियो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में आपने देखा था कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है वो दो तरह का होता है वन टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एज वेल एज़ वन फोर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वन टू एडिशन इज फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग निक्लियो फाइल ओनली बिकॉज विद वीक निक्लियोफाइल रिएक्शन गोज़ रिवर्स आपको ध्यान रखना है कि वन टू एडिशन रिएक्शन को केवल स्ट्रॉन्ग न्यूक्ल ही फेवर करता है वीक निक्लियोफाइल फेवर नहीं करेगा क्योंकि अगर आपने वीक निक्लियो फाइल लिया है तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी और आप कह सकते हैं कि वन टू एडिशन से बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा वो कम बनेगा माइनर होगा वन फॉर एडिशन इज़ फेवर्ड बाय थर्मोडाइनेमिक एंड काइनेटिक फैक्टर बोथ आप जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट का बनना कंट्रोल किया जाता है दो फैक्टर से और उन फैक्टर का नाम है थर्मोडाइनेमिक और काइनेटिक फैक्टर तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में वन फॉर एडिसन रिएक्शन जो होती है वो मोस्ट फेवरेट होती है क्योंकि यहाँ पे थर्मोडाइनेमिक और काइनेटिक फैक्टर इसको फेवर करते हैं इट मीन्स आप सिंपली बोल सकते हैं कि वन फॉर एडिसन से बनने प्रोडक्ट ही पर मेजर होगा सो वन फॉर एडिसन स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ वन टू एडिशन रिएक्शन क्लियर हुआ आपको आइए बच्चों अब जो पॉइंट हमने ऊपर डिस्कस किए, हैं उनको रिएक्शन की हेल्प से क्लियर कर लेते हैं यहां पर हम लोग वन टू और वन फॉर एडिशन करने वाले हैं आप देख पा रहे हैं कि वन टू एडिशन से बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो लेस स्टेबल है रीजन ये होता है बच्चों क्योंकि इसकी एनर्जी हाई होती है क्योंकि उसको ना तो थर्मोडाइनेमिक फैक्टर सपोर्ट करता है और ना ही काइनेटिक फैक्टर लेकिन वन फोर एडिशन से बनने वाला प्रोडक्ट जो होता है वो मोर स्टेबल होता है क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है एनर्जी कम होने का रीज़न ये है कि थर्मोडाइनेमिक और काइनेटिक फैक्टर दोनों उसको फेवर कर रहे हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इस रिएक्शन में वन फोर एडिशन से बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो मेजर क्यों है और वन टू से बनने वाला माइनर क्यों है ये जो है आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ा है यही कहलाती है रीजियो सेलेक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भेज सकते